हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों जयललिता की बायोपिक को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अब लीजिए कंगना रनौत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्टिंग में अपना दम दिखाने के बाद मैडम फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। कंगना ने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है, जिससे वो जल्द ही फिल्में प्रोड्यूस करेंगी। कंगना के प्रोडक्शन हाउस का नाम है मणिकर्णिका और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म राम जन्मभूमि मामले पर आधारित होगी, जिसका नाम अपराजिता अयोध्या है। हाल ही में कंगना की बहन रंगोली ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है और इस बात का ऐलान किया है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी और अब जल्द ही फिल्म की कास्ट को लेकर काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या पर बन रही ये फिल्म राम जन्मभूमि मामले में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित होगी। बता दें कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समुदाय को विवादित जमीन पर मंदिर बनाने के लिए हरी झंडी दे दी थी, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से 5 एकड़ पर मस्जिद बनाने के लिए कहा था। वहीं कंगना ने हाल ही में एक बातचीत में कहा है, राम मंदिर डिस्प्यूट काफी सालों से न्यूज में था। एक चाइल्ड जो 1980 में पैदा हुआ होगा, वो अयोध्या का नाम नेगेटिव अंदाज में सुनते हुए बड़ा हुआ होगा। अयोध्या केस ने इंडियन पॉलिटिक्स का चेहरा ही बदल दिया है। बता दें कि हाल ही में कंगना की फिल्म थलाइवी का टीजर रिलीज हुआ था, जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में कंगना के लुक पर काफी काम किया गया है। साथ ही पहले बताया जा रहा था कि कंगना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के बाद फिल्में प्रोड्यूस करने पर ज्यादा फोकस करेंगी। हालांकि वो फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ फिल्में भी प्रोड्यूस करने वाली हैं। वैसे आप कंगना की राम जन्मभूमि पर बनने वाली फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।